Thank you, Minister. Good evening, all my respected seniors and juniors. I am standing here to develop the foundation topic, that is optimization of cultivation condition for microbial lipid production by using rodent blood nucleus, which is also called as an oligenous yeast. So why? So पहला जो question है, मैं ज़्यादा time नहीं लेंगे, बस ये कहना चाहूँगा कि हमने yeast इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो सबसे खास बात होती है वो ये है कि वो यूनिसेलुलर होता है और उसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया या मोल्ड या कोई भी अदर माइक्रोब्स हैं। तो और इनका जो लिक्विड एक्युमुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो हमारा बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, फ्यूल एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, जो भी हमारे लिमिटेड क्रूड ऑयल्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव ऐसा चाहिए जिससे हम अपना बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर पाए। तो हमने यहाँ पे रोडोप ग्लूटिस लिया जो कि जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ईस्ट हैं अलग अलग फैमिली के, जैसे क्रिप्टोकॉकस है, कैंडिडा है, रोडोस्पोरिडियम है, रोडोपुला है। तो उनके अलग अलग ऑप्टिमाइज कंडीशन पे ये हमने स्टडी में पाया कि जो आपका रोडोपुला ग्लूटिस है वो सबसे ज्यादा लिपिड कंटेंट प्रोड्यूस करता है और बायोमास भी उसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे हमने अलग अलग कुछ कंडीशन और पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, कार्बन सोर्स है और नाइट्रोजन सोर्स है और कुछ सर्फेक्टेंट्स हैं। तो हमने सबसे पहले जो जो ईस्ट है उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कार्बन सोर्स पे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन सोर्स लिया, उस पर हमने उसको ग्रो कराया। तो हमने देखा कि हमारा जो सोर्स है, जैसे कि सुक्रोज लिया हमने, ग्लूकोज लिया, जैसे सपोज हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे किया तो आप देख रहे होंगे कि 30 डिग्री पे आपका 60 आवर जो हमारा बायोमास है प्लस लिक्विड एक्युमुलेशन जो है उसका सबसे हाई रेट है। इसी तरह हमने कार्बन सोर्स, पीएच, डिफरेंट टेम्परेचर्स, सर्फेक्टेंट और नाइट्रोजन सोर्स पे किया। तो हमने ये कंक्लूड किया कि जो सुक्रोज है हमारा वो सबसे बेस्ट सूटेबल कार्बन सोर्स है आपका लिपिड प्रोडक्शन के लिए, और जो पीएच है वो आपका 4 है, और मेनली जो सर्फेक्टेंट है वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करते इनके रोल में। ठीक है, और हमारा जो कंक्लूजन है, बेसिकली इनके तीन एप्लीकेशन है इस स्टडी के। पहला, एक तो इनका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ट्यूफा दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि फॉर विजन, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे इन्फ्लेमेशन हो, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये एक बायोडीजल फीड स्टॉक की तरह यूज करता है, इसका हम ट्रांसएस्टरीफिकेशन रिएक्शन यूज करा के हम बायोडीजल भी प्रोड्यूस करा सकते हैं और एट लास्ट हम पोलियोकेमिकल भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। थैंक यू। Sir, present the program to our